दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं सोनाली सिटी चैनल गुना। आज की खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ कैलाश कुशवा। आज की प्रमुख खबरों पर नजर डालने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सभी हेडलाइंस पर। गुना में आया एक और कोरोना पॉजिटिव, जिले के कुमराज का निवासी है जो हाल ही में मुंबई से आया था। कुमराज में उसे क्वारंटाइन किया गया था, जिसे जिला अस्पताल में लाया जा रहा है। अनलॉकडाउन बन हुआ शुरू, केंद्र सरकार ने की घोषणा। अभी आप लॉकडाउन सुन रहे थे, अब सरकार ने पूरे देश को खोलने की दो चरण की योजना बनाई है। इस चरण को अनलॉक नाम दिया गया है। इसमें 8 जून से मंदिर खुल जाएंगे और होटल रेस्टोरेंट भी खोले जाएंगे, लेकिन कंटेनमेंट एरिया में सारी पाबंदियां जारी रहेंगी। राधुगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह ने जिला कलेक्टर को एक पत्र लिखा और कहा कि जामनेर उपार्जन केंद्र पर 65 किसान हैं, जिनके गेहूं SMS मिलने के बाद भी नहीं तुल पा रहे हैं। SMS मिलने के बाद ये किसान भीषण गर्मी में 6-7 दिन से लाइन में खड़े हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन की अव्यवस्था के कारण ये किसान गेहूं के उपार्जन केंद्र से वंचित रहे। जामनेर उपार्जन केंद्र बंद हो चुका है, इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इन किसानों को न्याय दिलवाने के लिए इनके गेहूं की तुलाई बरसात उपार्जन केंद्र पर कराई जाए। टिड्डी दल का कल कुंदौरा गांव में हुआ हमला। आज कृषि विस्तार अधिकारी अशोक उपाध्याय ने बताया कि टिड्डी छोटे दल के रूप में आए थे, जिससे कि गुना जिले में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। गुना पुलिस को मिली सफलता, शराब तस्करी का फरार आरोपी रूप सिंह लववंशी आया चाचौड़ा थाना पुलिस की गिरफ्त में। शराब तस्करी के दौरान पुलिस के पीछा करने पर रखी 30 पेटी देशी शराब छोड़कर हुआ था फरार। कोरोना पॉजिटिव महिला के संपर्क में आए युवक पर मामला दर्ज। गुना जिले के एक व्यक्ति पर कोरोना पॉजिटिव महिला के संपर्क में आने और बिना सूचना दिए वापिस राधुगढ़ घर रुकने का मामला दर्ज किया गया है। मिली जानकारी अनुसार राधुगढ़ का युवक मुबारक अली पुत्र हिम्मत का अपनी बीमार बहन से मिलने भोपाल गया था। 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत। कलेक्टर एस विश्वनाथन द्वारा मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना अंतर्गत कृषि कार्य के दौरान ग्राम खेजरा बाबा थाना धरनौदा तहसील बमोरी जिला गुना के भैया लाल कुशवा की मृत्यु हो जाने के कारण उसके वेद वारिश कांतिबाई बेबा भैया लाल निवासी ग्राम खेजरा बाबा थाना धरनौदा तहसील बमोरी जिला गुना को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। ताला तोड़कर सोने चांदी के आभूषण ले गए चोर। चोरों ने सोने चांदी के आभूषण सहित 23,000 के माल पर हाथ साफ कर दिया। बमोरी थाना क्षेत्र अंतर्गत पाठन गांव में फरियादी के घर का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने सोने चांदी के आभूषण सहित 23,000 के माल पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। थोक फल सब्जी विक्रेताओं ने अपनी समस्याओं को लेकर SDM को सौंपा ज्ञापन। विश्व हिंदू परिषद द्वारा नानाखेड़ी मंडी गेट पर एक और प्याऊ का शुभारंभ किया गया। वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर द्वारा आज रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर रेलवे कर्मियों को त्रिकटू काढ़ा किया गया वितरण। लापरवाही के चलते इंदौर रेड जोन से गुना ग्रीन जोन में 2 बर्तन व्यापारियों को होटल वेदांतम में बिना मेडिकल के दी गई एंट्री। आज शहर काजी द्वारा सभी धर्मों के धार्मिक स्थलों को खोलने के लिए जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 1 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने पर आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा शहर के जयस्तंभ चौराहे पर पहुंचकर लोगों को मास्क वितरण किए गए एवं हाथों को सैनिटाइज कराकर कोरोना से बचाव हेतु जागरूक किया गया। अपहरण बालिका को 10 घंटे के भीतर खोज निकाला पुलिस ने। बिक्की मेहतर को किया गया गिरफ्तार। आरोपी द्वारा बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना को भी दिया गया था अंजाम। बजरंगढ़ थाना पुलिस ने की कार्यवाही। PHE विभाग में कार्य करने वाले नारायण कुशवाहा आज सेवानिवृत्त हो चुके हैं। आज सभी अधिकारी कर्मचारियों ने उनके लिए भावभीनी विदाई दी। आज सिंह टावर के पास बैंकों व कोचिंग के बाहर खड़ी गाड़ियों पर पुलिस द्वारा चालानी कार्यवाही की गई। लगभग 20 चालान काटे गए।
गुना के संजय स्टेडियम पर गतिविधियां प्रारंभ, खेल प्रतियोगिताएं प्रारंभ हो गई हैं। लॉकडाउन में खेल की गतिविधियों को बिना दर्शकों की छूट दी गई थी। आज हमारी टीम ने खिलाड़ियों से की मुलाकात और अब देखिए खबरें विस्तार से। गुना पुलिस को मिली सफलता, शराब तस्करी का फरार आरोपी रूप सिंह लववंशी आया चाचौड़ा थाना पुलिस की गिरफ्त में। शराब तस्करी के दौरान पुलिस के पीछा करने पर रखी 30 पेटी देशी शराब छोड़कर हुआ था फरार। 1 अप्रैल को हमारे यहाँ मुखबिर की सूचना पर पुलिस पार्टी गई थी एसआई आरवी शर्मा के नेतृत्व में, तो कोन्याकला गांव में गाड़ी छोड़कर दोनों मुलजिम भाग गए थे। वो कार इको स्पोर्ट्स कार थी जिसमें 30 पेटी अवैध देशी शराब की पाई गई थी, और वो मुलजिमों की जब पता रसी की तो वो एक पर्वत लोधा और एक उसका भाई रूप सिंह लोधा, ये ग्राम तरेनी जिला राजगढ़ के थे रहने वाले, ये थे उसमें। तो उनकी तलाश काफ़ी चल रही थी, फिर कल हमने मुखबिर की सूचना पर रूप सिंह लोधा को उसके घर खेत वाले घर से पकड़ा है। और रूप सिंह लोधा पिता का नाम हरि सिंह लोधा, ग्राम तरेनी का रहने वाला है, थाना मलावर जिला राजगढ़ का, उसको गिरफ्तार करके आज न्यायालय में पेश किया है जहाँ से उसे जेल भेजा गया है। उसका भाई अभी भी फरार है जिसकी तलाश जारी है। टिड्डी दल का कल कुंदौरा गांव में हुआ हमला। आज कृषि विस्तार अधिकारी अशोक उपाध्याय ने बताया कि टिड्डी छोटे दल के रूप में आए थे जिससे कि गुना जिले में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। गुना जिले में टिड्डी दल का ऐसा कोई ज्यादा प्रकोप नहीं देखा गया है। किसी बड़े दल में से कुछ 5-7 हजार टिड्डी दल बिछोड़ के जिले की सीमा में आ गए थे, तो जिन्हें वापस से जंगल की ओर भगा दिया गया है और उनसे कोई नुकसान जिले को नहीं है। और ये इस टिड्डी दल को भी जंगल में दूसरे पक्षी खा रहे हैं, तो ये 1-2 दिन में ख़त्म भी हो जाएगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 1 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने पर आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा शहर के जयस्तंभ चौराहे पर पहुंचकर लोगों को मास्क वितरण किए गए एवं हाथों को सैनिटाइज कराकर कोरोना से बचाव हेतु जागरूक किया गया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे देश में एक अभियान आज प्रारंभ हो रहा है 30 मई को। आज के दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी ने जो दिल्ली में शपथ ली थी, उनके जो 1 वर्ष के महत्वपूर्ण कार्य, ऐतिहासिक घटनाएं जो इस कार्यकाल में हुई हैं, उन सभी को प्रचारित करने के लिए सभी मोर्चों के लिए हमने सैनिटाइज और मास्क वितरण का कार्य दिया है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ एवं कनिष्ठ कार्यकर्ता घर घर जाकर व्यक्तिगत संपर्क करेंगे। एक हमारा पत्रक आने वाला है, उस पत्रक को प्रत्येक कार्यकर्ता कम से कम 50 घरों में व्यक्तिगत संपर्क करके उसको वितरण करेगा। और मोदी जी की जो सरकार है उसकी जो उपलब्धियां हैं, जैसे राम मंदिर, धारा 370, इन सबकी उपलब्धियों को देखते हुए घर घर तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद। वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर द्वारा आज रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर रेलवे कर्मियों को त्रिकटु काढ़ा किया गया वितरण। आज गुना रेलवे स्टेशन पे सभी रेलवे के अधिकारियों और कर्मचारियों को हमने जीवन अमृत योजना के तहत ये त्रिकटु काढ़े का वितरण किया। क्योंकि रेलवे कर्मचारी और अधिकारी भी कहीं कहीं पब्लिक एक्सपोजर में आते हैं, कुछ पता नहीं कौन इन्फेक्टेड है कौन नहीं है, तो इसलिए उनकी रोग प्रतिरोधक शक्ति की वृद्धि करने के लिए आज हम लोगों ने इस काढ़े का वितरण किया है। उन्हें बताने की उन्हें उस काढ़े को बनाने की विधि भी बताई है, साथ ही उन्हें प्रिवेंशन और प्रिकॉशन जो कुछ भी कोरोना वायरस के विरुद्ध होते हैं, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना और बार बार हाथ धोना और सभी चीज़ों का ध्यान रखने और प्रिकॉशन करने के लिए भी बताया है। साथ ही आयुष मंत्रालय द्वारा जारी की गई और भी गाइडलाइंस जो कुछ भी हैं, बार बार थोड़ा गुनगुना पानी पीना और भी तरह के जितने भी प्रिकॉशन बताए गए हैं आयुष मंत्रालय की गाइडलाइन की, उनको भी उनको बताया। साथ ही उनको पैम्पलेट का भी वितरण किया और चूर्ण का भी। क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर शारदा मिश्रा है, मैं जिला आयुष अधिकारी हूँ। थोक फल सब्जी विक्रेताओं ने अपनी समस्याओं को लेकर SDM को सौंपा ज्ञापन।
संदर्भ में आए। फल सब्जी थोक विक्रेता संघ आज गुना आदरणीय एसडीएम साहब महोदय जी को आवेदन देने आए थे हम हमारी समस्याओं का। हमारे गुना में शासन के बताए अनुसार फल सब्जी मंडी धनिया मंडी में शिफ्ट कर दी थी अस्थायी तौर पर, ये कोरोना चल रहा है इसलिए। श्रीमान जी ने फिर हमको वहाँ से हटा के दशहरा मैदान में कर दी, तो हम चाहते हैं कि हमारे लिए कोई भी स्थायी जगह दी जाए। इस समय क्या है, कुछ ही थोड़े दिनों बाद बारिश होने वाली है और धूप में और सब्जी धूप में बिगड़ जाती है, यही सब्जी पूरा शहर खाता है और जहाँ दशहरा मैदान है वहाँ सब्जी पे दो दो इंच धूल जम जाती है। इसलिए मेरा शासन से निवेदन है कि हमको एक स्थायी जगह दी जाए जिससे कि हम अपना रोजगार सही ढंग से कर सकें और गुना की समस्त जनता को हम शुद्ध सब्जी साफ खिला सकें। और हम लोग क्या है कि बाहर से सब्जी मंगाते हैं तो वो धूप में ख़राब हो जाती है, ना वहाँ छाएँ हैं, ना पानी की व्यवस्था है, ना लाइट की व्यवस्था है, ऐसी जगह हमको बता दी जाती है। तो मेरा शासन से निवेदन है कि हमें एक स्थायी जगह दी जाए जिससे कि हम अपना सही ढंग से रोजगार कर सकें। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जगदीश सिंह कुशवाहा, फल सब्जी विक्रेता संघ अध्यक्ष। विभाग में कार्य करने वाले नारायण कुशवाहा आज सेवानिवृत्त हो चुके हैं। आज सभी अधिकारी कर्मचारियों ने उनके लिए भावभीनी विदाई दी। जी कुशवाहा की मैन के पद पे थे और आज इनका रिटायरमेंट है। इनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा और हम इनके भविष्य की शुभकामनाओं की ईश्वर से दुआ करते हैं, इनका भविष्य उज्ज्वल हो। आज सिंह टावर के पास बैंकों व कोचिंग के बाहर खड़ी गाड़ियों पर पुलिस द्वारा चालानी कार्रवाई की गई, लगभग 20 चालान काटे गए। क्या मैंने देखा है यहाँ बहुत ऑफिस ज्यादा है, सब नो पार्किंग में गाड़ियाँ लगाते हैं, ट्रैफिक पूरा बाधित होता है। इसलिए हमने जो लाइन के हम नगर पालिका को लेटर लिखेंगे कि अगर उनके पास होगा कि अगर इसमें बेसमेंट में पार्किंग के लिए बेसमेंट दिया हुआ है, फिर कोई दुकान चल रही है तो निर्माण कर रहे थे हम, इसमें SDM को और नगर पालिका को भी लेटर लिखेंगे। सर अभी तक कितने चालान बना चुके हैं? अभी तक चालान हमने 20 चालान कर लिए, कुछ इस जगह किए, कुछ मुसलपुर रोड के उस साइड। लापरवाही के चलते इंदौर रेड जोन से गुना ग्रीन जोन में दो बर्तन व्यापारियों को होटल वेदांतम में बिना मेडिकल के दी गई एंट्री। आपके द्वारा इसमें बधाई नहीं थी, इस पर से सर्विस सेंटर को भेजा गया था, चेक कराएगा तो उसमें दो लोग इंदौर के थे जिनके पास ई पास मतलब पाए गए थे और मेडिकल इनका उसमें नहीं हुआ था, बाद में मेडिकल कराया गया है। इस संबंध में सभी होटल मालिकों को भी बता दिया गया है कि जो डायरेक्शन स्टीवन डीएम महोदय द्वारा दिए गए हैं उनका पालन करें और उसका उल्लंघन कतई ना करें। गुना के संजय स्टेडियम पर गतिविधियां प्रारंभ, खेल प्रतियोगिताएं प्रारंभ हो गई हैं। लॉकडाउन में खेल की गतिविधियों को बिना दर्शकों की छूट दी गई थी, आज हमारी टीम ने खिलाड़ियों से की मुलाकात। क्या नाम है आपका? लक्ष्य वंशी जी। बताएं कितनी देर बाद खेलने के लिए आए आप? अभी तकरीबन आधा घंटा हो गया। कितने दिनों के बाद? एक हफ्ता। इससे पहले लॉकडाउन लगा हुआ था, फिर कहाँ खेलने जाते थे आप? यहीं पे। क्या नाम है आपका? राहुल सेलर। लॉकडाउन के बाद आप खेल चालू हुआ है तो कैसा लग रहा है? काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि घर बैठे बैठे बोर हो रहे थे, कुछ खेलने को नहीं मिल पा रहा था क्योंकि घर में जरा सी जगह रहती है, तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि सारे दोस्त एक साथ मिलकर खेल रहे हैं हम लोग। तो इस डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, सोशल डिस्टेंस। क्रिकेट तो पूरा डिस्टेंस का गेम है और हम लोग पालन भी करना है इसका। तो इतने दिनों घर पे रहकर क्या किया आपने अभी तक? घर पे रहकर हम लोग नौकिंग वगैरह करते थे, हॉल में और छत पे एक्सरसाइज वगैरह करते थे। जूडो गेम से हम गतिविधियां चालू करने के तो आदेश आ गए, बट अभी क्या डमी वगैरह नहीं है हमारे पास, तो अभी बाहर फिजिकल करवा रहे हैं परेड ले जाके बच्चों को, तो इसलिए जूडो हॉल नहीं खोला अभी। 1 तारीख से हो सकता है खोल लें अगर और आदेश आ जाए अभी। क्या सुन नाम? गौरव चौहान।
विशाल जाट। विशाल कौन काय में रिप्रेजेंट करते हो, कौन सा? जूडो। कहाँ पे कहाँ कहाँ रिप्रेजेंट किया अभी आपने? अभी खेलो इंडिया में उधर गुवाहाटी, गुवाहाटी गए थे अभी। क्या रहा पोजीशन आप? पोजीशन पार्टिसिपेशन रहा था, पोजीशन नहीं आ पाया। 25-30 बच्चे आ रहे हैं शाम को और 30-35 बच्चे इतने ही सुबह की शाम में आते हैं, क्योंकि लॉकडाउन के कारण बच्चे बहुत दिनों से और जो शासन द्वारा निर्देश दिए गए हैं उसमें बहुत ही मापदंड इतने तगड़े हैं कि अपन ज़्यादा बच्चों को एक साथ बुला के खिला नहीं सकते। उसमें सभी व्यवस्थाएँ करना पड़ेगी, सैनिटाइज भी करना पड़ेगी। हालांकि ग्राउंड को हम 2 बार सैनिटाइज करा चुके हैं, हाथ धोने की व्यवस्था करना पड़ेगी। बच्चों के लिए बोल रखा है कि अपना मास्क लाएँ, सैनिटाइज लाएँ और पानी अपना पर्सनल लेके आएँ, एक दूसरे का पानी भी ना पिए और दूर भी रहें। प्रैक्टिस करें तो ज़्यादातर दूर रहने की उनको वो दिए जाते हैं निर्देश, जैसा बच्चा अपना करना चाहे। बाकी भीड़ हम इसलिए इकट्ठी नहीं करते और 10 साल से और 65 साल का कोई भी हमें अलाउ नहीं करते। तो बाबा अभी कितने बच्चे नेशनल खेल के साथ? इस साल बच्चे हमारे लगभग 7 बच्चे बास्केटबॉल में खेले, नेटबॉल में 25 के करीब खेले, थ्रोबॉल में 6 या 7 बच्चे नेशनल खेले, स्कूल्स के नेशनल खेले। मेरा नाम ऋतिक कटिक है, मैं गुना फुटबॉल एकेडमी से खेलता हूँ। अभी फुटबॉल 25 तारीख से चालू हुई है, यहाँ पर सभी मार्क्स का उपयोग कर रहे हैं और बढ़िया प्रैक्टिस कर रहे हैं। काका खेल के आया हूँ? अभी मैं राज्य स्तरीय फुटबॉल टूर्नामेंट खेल के आया हूँ और आगे अच्छा खेलता हूँ और आगे भी बढ़ूँगा मैं। अभिषेक खान। कहाँ से, कहाँ रहते हैं? हम केंद्रपुर में रहते हैं। काका खेल के आए हो? हम यहीं खेल रहे हैं। हम आयुपुरा से आए। साइकिल से। क्या नाम है? जैन मुनि गुणसागर जी महाराज दित्य दीक्षा दिवस का देखिए वीडियो। जानवरों ने कई साल उनके काम के यात्री महाराज 1979 से 2019 हो गया, 40 साल से आपके चरणों का सेवक रहा हूँ, आपके चरणों से कभी अलग नहीं हुआ, एक नंबर बात। दूसरे नंबर पर मैंने कहा 77 वर्ष का हो चुका हूँ, 78 में चल रहा हूँ, मेरी उम्र अब बहुत ज्यादा शेष नहीं है। और तीसरी बात जो मैंने कही वो ये कही, मैं आचार्य महाराज आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ, आप मुझे दीक्षा देकर तो मुक्त कर दें। तो आचार्य महाराज जी ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति कर दें। प्रभु थारा ही रंगमा रंगी गयो रे, भावनाओं को साकार करने में इन सभी का सहयोग तो है ही, समाज के एक एक व्यक्ति का सहयोग है। आपके अध्यक्ष जी हो, अंकल जी हो, उपाध्यक्ष जी, ऐसे हमारी सभी की भावना, आप सभी का मेरे प्रति प्रेम, आप सभी का मेरे प्रति स्नेह और आप सबके आशीर्वाद से मैंने पहले भी कहा है, आज पुनः कह रहा हूँ, मैं गुना से भले ही चला जाऊंगा, मैं गुना नगर को कभी नहीं भूलूंगा। आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ, आप सभी ने स्नेह किया, आप जिस तरह से आपने हमारे संयम के प्रति जो आपने अपने समर्पण उठाया है उसके प्रति मान करता हूँ। समान बनाय लियो रे, आप समान बनाय लियो रे, प्रभु थारा ही रंगा।
तीन सालों में अपनों से अलग हो गए, लेकिन एक बात भी समझ में नहीं आती, अपन अलग कब हो गए? अपन सदरू हो अलग नहीं हो रहे ना, कोई आपके जो जो भी आप संबोधन करते हैं मेरे को ना को अलग हो रहे, कहीं जा रहे संयम की महिमा तो देखो, संयम की महिमा सारा प्रणाम मेरे सूर्या का कितना आनंद था, अशोक में कितना आनंद था, ये सब संयम की महिमा है। आपके यहाँ का निर्णय हुआ एक बुजुर्ग आदमी है, इसको घटिया का होना चाहिए थी, खास खटारना चाहिए थी, आपने दिनचर्या के साथ चला है जिसका पंडितकरण होगा, अच्छे काम करना मैं चाहता हूँ, और भी लोग मिल जाए। कुमार बधाई है दीक्षा की घड़ी आई है, मोक्ष मार्ग बतलाई है। आदि कुमार ने त्याग से अरे देखो लगन लगाई है, दीक्षा की घड़ी आई है, आदि कुमार नित्य देख वैराग्य हुआ प्रभु को, क्षण भंगुर संसार दिखा प्रभु को, इच्छाओं को त्याग दिया प्रभु ने, तप से नाता जोड़ लिया प्रभु ने, कर्मों की धूल उड़ाई रे, प्रीत तप से ही लगाई रे, आदि कुमार ने त्याग से अरे देखो लगन लगाई है, दीक्षा की घड़ी आई है, आदि कुमार बधाई है। प्यारे श्री वर्धमान सागर जी महाराज एवं आचार्य श्री चंद्रप्रभ सागर जी महाराज के कर कमलों से महाराष्ट्र प्रांत की धर्मनगरी कोल्हापुर के शिरोड स्थित श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर कवडेसार में भव्य जैनेश्वरी दीक्षा समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रभु की भक्ति भाव के साथ हुई, इस दौरान भक्तगण श्रद्धा भाव में मंत्र मुग्ध थे। आदि कुमार ने त्याग से अरे देखो लगन लगाई है, दीक्षा की कर्म में नहीं करता हूँ, मेरी दीक्षा होने के बाद मैं आचार्य विद्यासागर ही रचित हूँ, मंत्र में तंत्र में गंडा में बीज में किसी में विश्वास नहीं करता, न किया है न करूँगा न करूँगा न करूँगा। विद्यासागर जी महाराज मुझे कई चीजें मिलकर कहना नहीं आता है, उन्होंने कहा था अग्नि गुरु की भगत आज्ञा के कभी हार जाना मत, चंडू को छोड़ना मत, मैं आपके सामने निवेदन करता हूँ आप मुझे पूरी शिक्षा के रूप में करें, जीवन भर आपके संग को आपके साधु की अवज्ञा चंडू को छोड़ने का कोई काम नहीं करूँगा। अर्थियों ने आचार्य श्री के सानिध्य में वस्त्र आभूषण श्रृंगार सामग्री आदि का त्याग कर दिया। देखो लगन लगाई है, दीक्षा की घड़ी आई है, आदि कुमार बधाई है। तप करने को चले हे आदि कि मेरी जिंदगी सवारी मुझको शरण मिला के रौनक मिले जहाँ के चरणों गुरुओं के आगे, मेरी जिंदगी सवारी
मुझको शरण मिला के रौनक मिली जहां के शरण हो गुरु हो गया के मुनिवर मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं पारस नाम मेरे प्रभु का पारस नाम पारस नाम पारस नाम मेरे प्रभु का पारस नाम हे सुख धाम प्रभु का नाम मेरे प्रभु का पारस नाम मेरे प्रभु का पारस नाम परम पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आचार्य श्री को मैं आचार्य श्री का पूरा गुना नगर जैन समाज बहुत बहुत आभारी है कि जिन्होंने हमारे नगर के श्री पवन कुमार जी कठरिया जी को मुनि दीक्षा देकर हमारे नगर का मान बढ़ाया और नगर के साथ साथ पूरी समाज का मान बढ़ाया और जो कि गुणसागर जी के रूप में विख्यात हुए उनके चरणों में बार बार नमोस्तु निवेदित करते हैं और उनके साथ साथ जो मुनि श्री बीना के हैं सुश सागर जी और विदिशा के निर्भय सागर जी उनके चरणों में भी बार बार नमोस्तु निवेदित करते हैं और प्रभु से कामना करते हैं कि हमें भी ऐसी शक्ति प्राप्त हो कि हम इसी मोक्ष मार्ग पर हम सब भी चल सकें और हमारा भी कल्याण हो सके यही भावना है। सभी मुनि संघ के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज महाराज श्री आपने गुना बीना विदिशा की इस धरा के हमारे तीन श्रावकों को जो मुनि दीक्षा देकर कृतार्थ किया उस सब के उसके लिए हम आपके बहुत ऋणी हैं और उन लोग हमारे तीनों गुणसागर जी महाराज सुरत सागर जी महाराज निर्भय सागर जी महाराज ने अपने आत्मकल्याण के मार्ग पर मुनि दीक्षा लेकर जीवन को सार्थक किया उन तीनों महाराजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री आपसे निवेदन है विनती है कि आप संघ सहित बजरंगल क्षेत्र पर पधारें वहाँ के शांतिनाथ कुंतनाथ हरेनाथ के दर्शन कर प्रभु के और चतुर्मास के लिए बहुत उपयुक्त स्थल है गुना और बजरंगल आप यहाँ चतुर्मास करें ऐसी हम सब गुनावासियों की भावना है। एक बार पुनः दीक्षा दिवस पर गुणसागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु सुरत सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु और निर्भय सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु और पूरे आचार्य से के संघ के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरु आज के दीक्षा दिवस के इस पावन प्रसंग पर परम पूज्य मुनि श्री गुणसागर जी महाराज जी के पावन चरणों में त्रैवार नमोस्तु निवेदित करता हूँ। परम उपकारी आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज का उपकार का भी स्मरण करना चाहूँगा जिन्होंने अशोकनगर की माटी में जन्मे गुना गौरव परम आदरणीय ब्रह्मचारी श्री पवन जी कठरिया को मुनि श्री गुणसागर जी के रूप में स्थापित किया दीक्षा दी। हे पूज्य मुनि श्री आपके रत्न त्रय का पालन हो आपको सिद्धत्व की प्राप्ति हो इन्हीं भावनाओं को मैं भाता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की जय। बोलिए पूज्य मुनि श्री गुणसागर जी महाराज, शुभ सागर जी महाराज एवं निर्भय सागर जी महाराज की जय। साथियों, बड़े हर्ष का विषय है कि आने वाली 30 तारीख को हमारे क्षेत्र के तीनों जो महाराज हैं उनका दीक्षा दिवस है। और बड़े सौभाग्य की बात थी हमारे लिए भी कि जो जब तीनों महाराजों की जब दीक्षा हुई थी तो आचार्य वर्धमान सागर जी के साथ किसान आचार्य वर्धमान सागर जी द्वारा जो दीक्षा दी गई थी उसमें कवटेसाल में हम लोगों को भी उपस्थित रहने का हम लोग साक्षी थे उस क्षण के उस, तो हमको भी बड़ी खुशी का अनुभव हुआ था। और आज ये हम लोग प्रसन्नता से बिल्कुल भरे हुए हैं कि दीक्षा को पूरा एक वर्ष कंप्लीट हो गया है। और देखिए महाराज जियों की इतनी उम्र होने के बाद भी महाराज जी द्वारा सम्यक शिखर जी की यात्रा की गई जो वास्तव में अनुकरणीय है, जो बताती है कि महाराज जी के अंदर कितनी मतलब संयम, कितना संयम है और कितनी इच्छा शक्ति है। अदरवाइज इस उम्र में तो जवान लोग भी सम्यक शिखर जी की यात्रा नहीं कर पाते हैं, लेकिन उनके द्वारा सम्यक शिखर जी की यात्रा की गई। हम लोग यही चाहते हैं कि आचार्य वर्धमान सागर जी सत्संग एवं तीनों जो महाराज जी हैं वो हमारे क्षेत्र में आए, हमें चतुर्मास का मौका मिले, हमें भी थोड़ी सी धर्म की प्रभावना करने का मौका मिले उनके माध्यम से, ऐसा हम लोग चाहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय। क्रीम बोली पाउडर से कब मिल पाएंगे, क्रीम बोली पाउडर से कब मिल पाएंगे, लिपस्टिक लगा करके बाहर कब जाएंगे, लाली लगा करके बाहर कब जाएंगे, आंखें बोली काजल से सुनी हो गई है अखियां, आंखें बोली काजल से सुनी हो गई अखियां, लाइनर मस्कारे का देखो बुरा हाल हो गया, क्रीम बोली पाउडर से कब मिल पाएंगे, बिंदी सिंदूर का कुछ नहीं बिगड़ता है, बिंदी सिंदूर का कुछ नहीं बिगड़ता है, लॉकडाउन में भी, लॉकडाउन में भी रोज रोज लगते हैं, क्रीम बोली पाउडर से कब मिल पाएंगे, देख देख मेकअप को सारी बहन रोती है, देख देख मेकअप को सारी बहन रोती है, मेकअप और मैचिंग में, मेकअप और मैचिंग में बाहर कब जाएंगे, क्रीम बोली पाउडर से कब मिल पाएंगे, बहन मेरी सोचती है मास्क में हम कैसे दिखेंगे, बहन मेरी सोचती है मास्क में हम कैसे दिखेंगे, साड़ी के मैचिंग का मास्क हम बनवाएंगे, क्रीम बोली पाउडर से कब मिल पाएंगे, लाली लगा करके कब बाजार जाएंगे, लाली लगा करके बाहर कब जाएंगे, बाहर कब जाएंगे, बाहर कब जाएंगे।